जिस ऊंचाई पर विमान उड़ते हैं वहां प्रेशर 4 PSI से कम होता है, और यही कारण है कि इंसान को सांस लेने के लिए कृत्रिम प्रेशर की जरूरत होती है। इसका सीधा इलाज है कि प्लेन में बाहर से हवा अंदर पंप की जाती है। ये विमान के पंखों इंजन के जरिए अंदर आती है और इसे डीकंप्रेस किया जाता है ताकि ये केबिन में इस्तेमाल की जा सके। ये हवा बेहद ठंडी होती है, इसे कंप्रेसर और फिल्टर की मदद से पहले साफ किया जाता है और फिर उसे केबिन प्रेशर के हिसाब से मैनेज किया जाता है, फिर साफ किया जाता है और इसके बाद ही इसे एयर कंडीशन के जरिए भेजा जाता है। इसी के साथ केबिन के अंदर मौजूद हवा बाहर जाती है और लगातार फ्रेश हवा अंदर जाती है। हवा ऑक्सीजन का अंदर आना और बाहर जाना दोनों ही विमान के प्रेशराइज सिस्टम से कंट्रोल किया जाता है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।